सबको जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, में फिर एक बार आज आप सबका इस शाम के समय प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने हमें सुबह से अब तक संभाले रखा, हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय प्रभु के द्वारा मिली हुई सभी आशीषों के लिए, प्रभु के द्वारा मिली हुई सभी कृपाओं के लिए, प्रभु के वरदान के लिए, प्रभु के प्यार के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रभु कितना भला है, वो प्रभु कितना दयालु है, हमसे कितना प्यार करता है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वही एकमात्र ईश्वर है। क्योंकि वचन बताता है, समस्त संसार में मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उसे मुक्ति मिल सके, उसका उद्धार हो सके। एक नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो आइए उस यीशु मसीह का नाम लेते हुए हम उसकी आराधना करें, हम उनकी शरण में जाएं, हम उनके सानिध्य में आएं और दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई के साथ, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ हम प्रभु की आराधना करें। हम गीत को गाएंगे तालियां बजाते हुए, अपनी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी कमजोरियों को, अपने सभी अधर्म पाप और गलतियों को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। आपके द्वारा भेजे हुए सभी निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए मैं इस समय प्रार्थना करूंगा, और इस समय जो आप प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी मनोकामनाओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। तो आइए अपने हृदयों को खोलें, अपने मनों को खोलें, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं और उनकी आराधना करें। शत्रु को हरा दे,
शरण शांति और आनंद के साथ सभी कहें उसकी में लेता शरण शांति और आनंद के साथ जिंदा खुदा जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम यीशु मसीह उसका नाम है जिंदा खुदा है तेरी दुनिया में जलता चिराग है वो अंधेरी दुनिया में जलता चिराग है वो वीरान दुनिया में शमशमा की ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह प्रभु
प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम उसकी में लेता शरण शांति और आनंद के साथ जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम उसकी में लेता शरण शांति और आनंद था जा रहा है समय जल्दी ही आएगा वो जा रहा है समय जल्दी ही आएगा वो बातों सभी प्रभु यीशु मसीह 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 जिंदा खुदा है वो यीशु मसीह है उसका नाम जिंदा
मसीह और आनंद के साथ राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु मेरा 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 मसीह Oh,
दोनों हाथ प्रभु की ओर
प्रभु है राजाओं का राजा है,
वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का प्रभु, उस प्रभु को धन्यवाद दे। राजाओं का राजा है, प्रभु से कहें प्रभु तू मेरा राजा है, प्रभु मेरे परिवार का राजा है, मेरे दिल का राजा है यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है वो। राजा होते हुए भी दीन बनकर इस दुनिया में आया मैंने और आपके लिए, वही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परिवार में, अपने घर में, अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में, अपनी गरीबी में स्वागत करें। वो छुटकारा देगा, वो छुटकारा देने वाला है, छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके पापों से आपको मुक्ति देगा। प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके रोगों को दूर कर देगा। उसने हमारे और आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया और वचन कहता है उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वो है यीशु मसीह, प्रभु तेरा मसीह, प्रभु वो जिंदा, धन्यवाद यीशु है। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद। वो प्रभु का प्रभु है, अपनी पीड़ा और दर्द में उसे पुकारे, अपना दर्द अपनी पीड़ा उसे दे दे, अपना बोझ उसे दे दे, वो अपने बोझ को आपके बोझ को हल्का करेगा, वो आपको छुटकारा देगा। आप थक चुके हैं, आप पीड़ा में हैं, आप कष्ट में हैं, आपको लगता है मेरे भाई मेरी बहन अब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, सब तरफ आपको अकेलापन नजर आ रहा है, सबने आपको छोड़ दिया है, लेकिन आपका जिंदा खुदा, आपका जिंदा मसीह यीशु, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपसे प्रेम करता है। वो कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो आपको अपनी बाहों में लेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, आपका कर्ज आप नहीं चुका पा रहे हैं, प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो। मेरे भाई
आपकी जो भी जरूरत है, आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी निवेदन है, जो भी जरूरत है, उसके लिए अपने जिंदे प्रभु से, एकमात्र ईश्वर से, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपको आपके कर्ज से छुटकारा देगा, आपकी गरीबी से छुटकारा देगा। वचन बताता है, मैं तेरी हजार पीढ़ियों तक तुझ पर आशीर्वाद उतारूंगा। आपका प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, ऐसा आशीर्वाद आपको फिर कहीं हाथ फैलाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा। वो आपके आंसुओं को पहुंच डालेगा। आपके पास संतान नहीं है, आप प्रार्थना करें इस समय, प्रभु आपको संतान दे रहे हैं, प्रभु आपकी कोख को भर रहे हैं, प्रभु आपको वरदान दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। स्वीकार करें, प्रभु से मांगे, जैसे अलकाइना ने मांगा आप भी मांगे, प्रभु आपको दे रहे हैं। आपके पास नौकरी नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आप नौकरी की तलाश कर रहे, मांगे इस समय, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए और एक नौकरी की जरूरत है, वो आपको देगा। वचन कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें क्या चाहिए, वो जानता है, वो आपको देगा। आपके पास घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है, आप खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। वचन बताता है, प्रभु आपसे कहता है, घर बनाओ और उसमें बस जाओ, दागबारियां लगाओ और उसकी दागबारियों को खाओ। प्रभु कहता है, प्रभु घर का प्रबंध करता है, वो आपके घर को बना रहे हैं, वो आपके घर को बना रहे हैं, वो आपको जमीन दे रहे हैं। प्रार्थना करें, आप बीमार हैं, आपकी बीमारी यीशु से बढ़कर नहीं है, आपका रोग यीशु से बढ़कर नहीं है। वचन बताता है, वो हमारे ही रोगों से लदा हुआ था, उसने हमारे रोगों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, आप बीमार नहीं हैं, आपके प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आपके यीशु ने आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, उससे धन्यवाद दें। आपकी बीमारी यीशु से बढ़कर नहीं है, चाहे आप किसी भी भयानक बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, आप इलाज कराते कराते भले ही क्यों ना थक गए हो, आपके पैसे खत्म हो गए हो, चाहे डॉक्टर ने कहा है इलाज नहीं हो सकता, आप नहीं बच पाओगे, वचन बताता है, मेरा हाथ तुम्हें बचाने में सामर्थ्य रखता है, यीशु का हाथ आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, आपके हर एक अंग को वो नया बना रहे हैं इस समय, आपके हाथ पैरों का, शरीर का दर्द उन्होंने मार खाते समय वो सह लिया, अपने ऊपर ले लिया, आपका दर्द यीशु ने ले लिया है, आप आजाद हो गए हैं इस समय, आप चंगे हो गए हैं, जैसे प्रभु ने हर धांग रोगी से कहा, बेटा तुम चंगे हो गए हो, आज यीशु आपसे कहता है, बेटा और बेटी तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद दें उसको, थैंक यू जीसस। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप बिजनेस में बढ़ नहीं पा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु आपके बिजनेस को इस समय स्पर्श कर रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, स्वीकार करें, धन्यवाद दें प्रभु को। आप पैसा कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है, आपका पैसा रुक नहीं पाता, प्रभु से वादा करें, प्रभु यदि मैंने आपका कोई हक मारा है, आपके वचन का उल्लंघन किया है, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए यदि मैंने दसवां अंश नहीं निकाला, जो आपका है वो आपको मैंने नहीं दिया, मुझे माफ करना। मेरे भाई, प्रभु का वचन बताता है, जो तुम्हारी आय का, तुम्हारे समय का पहला भाग है, वो यीशु के चरणों में, प्रभु के पास ले आओ, और प्रभु कहता है, इसमें मुझे परख लो, मैं आकाश के बादलों को आज आदेश दूंगा,
वो समय पर वर्षा करेंगे। तुम्हारे खेत में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, तुम्हारी फसल इतनी बढ़ेगी, इसमें मुझे परख लो। प्रभु के मंदिर में दशमांश भेंट ले आओ, वादा करें प्रभु से, प्रभु आपके पैसे में, आपके खेत में, आपकी फसल में, आपके बिजनेस में आशीष देगा। स्वीकार करें, आपका पति शराब पीता है, इस समय प्रार्थना करें, वाह आपके पति को नशे से, नशे की गुलामी से आजाद कर रहे हैं। आप अश्लीलता में हैं, पाप में पड़े हुए हैं, प्रभु आपको आपके बंधनों से, पाप से आजादी दे रहे हैं। धन्यवाद दें, इस समय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आप प्रभु को समय नहीं दे पाते, वचन नहीं पढ़ पाते। प्रभु से मांगें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ, वचन को पढ़ना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, प्रार्थना करें, आपका मन प्रार्थना में लगे। आपको डर लगता है प्रभु से, प्रभु आपसे कहता है, डरो मत, चिंता मत करो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु से कहें, आपका डर इस समय निकल रहा है, आपका डर दूर हो रहा है। धन्यवाद है प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं इस समय मेरे इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु इन्हें छू, इस समय स्पर्श कर, इन्हें चंगा कर दे, इन्हें आजाद कर, इन्हें छुटकारा दे प्रभु। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, अलग अलग जरूरतें प्रभु, अलग अलग निवेदन रखे हैं। मुझसे बेहतर तू जानता है यीशु, तो एक एक की मन्नत को, मुराद को पूरा कर यीशु। इनके परिवारों में तू भरपूर आशीर्वाद दे प्रभु, इनकी तरक्की और उन्नति होती रहे यीशु तेरे नाम पर। प्रभु आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, आपने हमारी प्रार्थना को छुआ, सुना है, आपने हमें छुआ है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप मेरे परिवार में हैं प्रभु, आप मेरे परिवार में आए हैं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ यीशु, तू आदर और महिमा के योग्य है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू ही एकमात्र ईश्वर है, तू आदि है, अल्फा और ओमेगा, मार्ग सत्य और जीवन यीशु तू है, मैं तुझे प्यार करता हूँ यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, मैं सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगता हूँ, बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति भरपूर रीति से हमारे बीच में है, उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कितना दयालु है, कितना प्यार हमसे करता है, कितना अच्छा है, जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे बोझ को हल्का करते हैं, हमारी पीड़ा दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। उस प्रभु को धन्यवाद दें, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वही एकमात्र ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, और इस प्रार्थना को अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने पहचान के सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए, उनको प्रार्थना में जोड़ने के लिए और प्रभु के कार्य के लिए, सेवा के लिए हाथ बढ़ाने के लिए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हर रोज रात 8:30 बजे, रात 8:30 बजे ये प्रार्थना आती है। आप इस प्रार्थना में जुड़ जाएं,
और दूसरे लोगों को भी जोड़ें, प्रार्थना को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जो नए हैं, जुड़े हुए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें। दूसरों को जिनको आप प्रार्थना भेजते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि आपको रात 8:30 बजे की प्रार्थना का लिंक मिल जाए और आप प्रार्थना में जुड़ सकें। प्रिय भाई, मेरी बहन, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, मैं मेरा परिवार मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगा। और आपको इस प्रार्थना के द्वारा जो आशीष मिली है, मिल रही है, बहुत सारे लोग फ़ोन करके बताते हैं बहुत आशीष मिल रही है, प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, चंगाई मिली है, बहुत कार्य प्रभु का आपके जीवन में हो रहा है। बहुत दिन के बाद फ़ोन करके मैसेज करके बताते हैं और समय के अभाव की वजह से हम उस गवाही को लिख नहीं पाते और आप लोगों तक शेयर नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु का काम आपके जीवन में हो रहा है। तो आप गवाही दें, प्रभु का साक्ष्य बने, अच्छे से मैसेज कर दें या फ़ोन करके बता दें, लिखवा दें, और ताकि अन्य लोगों का विश्वास बढ़े और प्रभु के लिए आप साक्ष्य बन सकें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एक ही नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो लाइन आप देखते हैं नीचे, वहाँ पर भी ये नंबर दिया गया है। हमारा नंबर है 8279997397। आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें इसी नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें, प्रभु में जुड़े रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। आप भी आना, अन्य लोगों को भी प्रार्थना में जोड़ना और प्रभु आपको इस कार्य का प्रतिफल प्रदान करेंगे। प्रभु आप सबको, आपके परिवार, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को बहुत बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।